मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में जिला प्रशासन का सामूहिक सूर्य नमस्कार हुआ। ये सूर्य नमस्कार स्टेडियम पे हुआ, नेहरू स्टेडियम पे हुआ। यहाँ पे 9 बजे सारे विद्यार्थी पहुंच गए थे, करीब 2000 से अधिक स्कूली विद्यार्थी थे, वहीं जनप्रतिनिधि भी थे, यहाँ पे जिला प्रशासन के अधिकारी भी थे। इन सब ने आकाशवाणी के रेडियो पर यहाँ पे सूर्य नमस्कार किया। मध्य प्रदेश का गान हुआ, राष्ट्रगान हुआ, उसके बाद यहाँ पे ये योगा चालू हुआ, योगा शुरू हुआ, सूर्य नमस्कार शुरू हुआ। आप लगातार देखिए किस तरीके से जनप्रतिनिधि और किस तरीके से अधिकारी सूर्य नमस्कार कर रहे हैं। इसमें कलेक्टर भव्या मित्तल भी मौजूद थी, वहीं जिला पंचायत सीओ सृष्टि देशमुख भी थी, नगर निगम आयुक्त संदीप श्रीवास्तव भी थे, एडिशनल एसपी अंतर सिंह कनेज भी थे, इसी के साथ तमाम आला अधिकारी थे, शिक्षा अधिकारी सोलंकी भी थे, रविन्द्र महाजन भी थे। आप लगातार खुद देखिए किस तरीके से योगा कर रहे हैं और ये प्रेरणा दे रहे हैं कि सभी को योगा करना चाहिए। हमारी खबरों को देखने के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको लड़े समय मिले थी खबर। आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर देखें, उसको फॉलो करें। सुभाष गुजर के साथ संजय दुबे, बुरहानपुर। 12 जनवरी को सामूहिक आयोजित किया गया, इसमें हमारे 2000 से भी अधिक बच्चे सम्मिलित हैं और सभी जनप्रतिनिधिगण भी आज उपस्थित हुए हैं, शासकीय उपस्थित हुए हैं और हमने स्वामी विवेकानंद की वाणी भी सुनी और योग के जो भारत का एक संस्कार ही एक तरीके का उसको उसके प्रचार प्रसार के लिए आज ये कार्यक्रम। शवनासन बाएं पैर को जितना पीछे ले जा सकते पीछे ले जाए, दाएं पैर का घुटना जमीन पर टिका हुआ, पांच दाएं पैर को भी पीछे ले जाए, पर्वतासन की स्थिति, कमर पूरी तरह से ऊपर उठी हुई, एड़ियों में घुटने भरिए, जितना धीमे कर सकते हैं पूरा ध्यान श्वास पर, नासिका रोकिए नहीं कहीं, बाएं से पूरा होने पर दाहिने से छोड़िए, फिर दाहिने से भरिए, श्वास में हल्दन तो हवा में हल्की सी गड़बड़ाहट, अपनी अपनी गति से करें, कहीं जबरदस्ती नहीं, कहीं पर जोर, बाएं से भरे दाहिने से छोड़े, दाहिने से भरे तो बाएं से छोड़े, दोनों हाथों को नीचे छोड़ दे, जब तीनों चक्र पूरे हो जाए आंखों को बंद करते हुए महसूस कीजिए दोनों राशि और ठुड्डी, 8 अंग, 2 पैर, 2 घुटने, 2 हाथ, छाती और ठुड्डी, 8 पुनः पर्वतासन, स्थिति पर अपने बाएं पैर, 10, 12 प्रार्थना की मुद्रा, 1 चक्र समाप्त हुआ, हाथों को नीचे लीला छोड़ दीजिए, 2 ध्यान दीजिए। द्वितीय चक्र का अभ्यास करते हैं, 2 हस्तोत्तानासन, हाथों को फैलाइए, ऊपर की ओर उठाइए, फिर पीछे झुकिए, श्वास भरते हुए ये प्रक्रिया होती है, पेट के अंदर के अवयव धीरे धीरे आगे झुकिए, श्वास को छोड़ते हुए पादहस्तासन की स्थिति में, दाहिने पांव दोनों हाथों के बीच में, श्वास भरते हुए इसे करना है, आमाशय के ऊपर जो दबाव पड़ रहा है उसे अनुभव कीजिए, 5 पर्वतासन, दाहिने पैर को भी पीछे ले, 7 भुजंगासन, शरीर को आगे की ओर खींचिए, ऊपर देखिए, पूरी तरह से ऊपर उठाइए, रीढ़ की हड्डी को आराम होता है, जब हमारी की शक्ति में वृद्धि होती है, 8 दाहिना पैर पीछे खींचा हुआ घुटना जमीन पर, दृष्टि आगे की ओर, 10 हाथ ऊपर उठाइए, आत्मविश्वास की वृद्धि रीढ़ को पीछे झुकाने के कारण, 12 प्रार्थना की मुद्रा, द्वितीय चक्र समाप्त हुआ, हाथों को 2 हस्तोत्तानासन, धीरे पैर को पीछे खींचने के बाद पंजे को जमीन पर लगाइए, ऊपर उठी हुई दाहिना पैर भी पीछे, पर्वतासन की स्थिति, 8 पर्वतासन, पंजों को जमीन पर धीमी गति से आंखों को बंदी रखते हुए स्लो मोशन के समान धीरे धीरे नीचे बैठिए,
है। सारे युवा अधिकारियों को बहुत सारी शुभकामनाएं युवा दिवस की, और जो ओल्ड एज है वो बुरा ना माने। बुरहानपुर की पल पल की लेटेस्ट खबरों को देखने और सुनने के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।